हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम बहुत दिन बाद कुकिंग का ब्लॉग ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा और कमेंट बताइएगा कैसा है। हमारे इंस्टा और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ हमें वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। और तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी अभी आलू धोई हैं और प्याज काटी हैं। देखिए, आज आलू प्याज का पकौड़ी बनाऊँगी नाश्ते में। आज नाश्ते में कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा है, मेरे पास तो गर्मी में पकौड़ी बनता ही नहीं है। आज मेरा मन ही कर दिया कि आज पकौड़ी बने नाश्ते में। क्या बने रोज रोज सोचना पड़ता है कि नाश्ते में क्या बनाएं। मम्मी, आलू प्याज की पकौड़ी बनाना जरूरी था इतनी गर्मी में? कुछ और नाश्ते में बना दी होती। क्या बनाए, गर्मी तो इतना है, तो बात सही है। तुम लोग पोहा भी तो नहीं खाते हो कि चलो पोहा ही बना दे खा लो। तुम्हारे पापा तो बिल्कुल मुँह में नहीं, पकौड़ी तो खा भी लेंगे, इस गर्मी में भी खा लेंगे। जो पोहा नहीं खाएंगे गाय, पकौड़ी जितनी गर्मी है खा लेंगे। ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है गर्मी में प्याज का ऑयली चीज। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, गर्मी है। इनके पापा बोले हैं कि नाश्ते में पकौड़ी ही बनाओ, तो बोला इतनी गर्मी पकौड़ी कौन खाता है? पापा खाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गर्मी में कौन कौन पकौड़ी खाता है। ऐसे तो कोई नहीं, बहुत कम ही लोग खाते होंगे। बहुत लोग ऐसे पड़े हैं तुम्हारे पापा जैसे कि पकौड़ी खाते होंगे गर्मी में, तो हल्का भोजन करते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं। और फ्रेंड्स, आपका क्या क्या फेवरेट खाना डिश है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आपको क्या क्या अच्छा लगता है खाने में? और आप लोग हमारा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। फ्रेंड्स देखिए, मम्मी इसमें बेसन मिलाने जा रही हैं। अब इसी का पकौड़ी बन जाएगा, सब नाश्ते कर लेंगे, फिर इसी का जो है कढ़ी बना दूंगी। कढ़ी? हाँ, कढ़ी छाछ डालकर कढ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। मैं जीरा है ना? जीरा है। पहाड़ जैसा लग रहा है। छोटा भी तो है यार, कैसे मिलाऊं? इतना ज्यादा हो गया गाइस कि जो है बड़े बर्तन में मुझे पलटना पड़ा है। इस तो पहले ही करना चाहिए। छोटा तो नहीं पता था ना किसमें नहीं होगा, क्योंकि इनके पापा बहुत ज्यादा पकौड़ी खाते हैं। थोड़ा सा हल्दी दे बेटा, तो ये लो हल्दी, नमक। ये हल्दी हो गया, अब नमक डालोगी ना? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? देखो, जो तुम्हारे पापा को पसंद है यही चीज़ हमको भी पसंद है। हमको भी पकौड़ी बहुत पसंद है, भले गर्मी है तो क्या है। इतने इनके कितना नहीं पसंद है। देखो, अभी बोल भी रही थी तब भी। हाँ, बोल रहे थे। ये देखिए, पापा सूर्य भगवान का पूजा करके आ रहे हैं, अब मंदिर में करेंगे। अभी पापा मंदिर पूजा करके फिर मम्मी पकौड़ी, पापा पकौड़ी खाएंगे, मम्मी बना रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मम्मी अभी टमाटर काट रही हैं, चटनी है पकौड़ी के लिए गाइस, इसलिए चटनी बना रही हैं अभी। अच्छा लगता है, इसमें ना सूखी मिर्च भी डाल देते हैं, सूखी मिर्च से टेस्ट अच्छा आ जाता है। फ्रेंड्स, आपका भी आवाज आ रही होगी क्योंकि पापा पूजा कर रहे हैं। देखिए से तीखा हो जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए चटनी हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, मम्मी पकौड़ी छानने जा रही हैं। सारा तैयारी हो गया,
अब जो है जा रही हूँ छानने के लिए। गाइस देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज पापा को खूब पकौड़ी खिलाना। तू नहीं खाएगा क्या? नहीं खा, मैं भी खा लूंगा। फ्रेंड्स देखे देखने जैसे समोसा जैसा लग रहा है। फ्रेंड्स हमने एक बार समोसा का ब्लॉग भी डाला था, जाके आप वो भी देख सकते हैं। हमारा प्रैंक वीडियो भी पड़ता रहता है, आप वो भी देख सकते हैं। और हमारे इंस्टा फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। A few moments later. फ्रेंड्स ये देखिए पकौड़ी हो गया है। आप लोग ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि तो जो है कुकिंग का ब्लॉग में बहुत मेहनत लगता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पकौड़ी कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए पापा ने पूजा कर लिया है, पकौड़ी खा रहे हैं। कैसा है पापा? एकदम यम्मी ललन टॉप, बहुत टेस्टी। मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हफ्ते में एक दिन पकौड़ी तो चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुकिंग का ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।